दर्शन के तहत हम आपको अलग अलग महाराषि से मिलवा रहे हैं, उनके आशीर्वचन प्रयाग की पावन धरती से आप तक पहुंचा रहे हैं। जय पारस चैनल अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से यहां की गतिविधियों से आपको रूबरू करा रहा है। इसी के तहत महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदास जी महाराज हमारे साथ हैं, पूज्य श्री के बारे में जानेंगे और संस्था किस तरह से क्या कुछ कर रही है और साथ ही साथ प्रयाग महात्म्य के बारे में पूज्य श्री से जानकारी लेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं धर्मदास जी महाराज से। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंभ की धरती से। पूज्य जी ये जानना सबसे बड़ा हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि धर्मनगरी तीर्थों का राजा प्रयाग क्यों कहा जाता है? ये तीर्थों का राजा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है, त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर अक्षय वट है। यहाँ ने याकवल्लक जी ने भरद्वाज को कथा सुनाई, ये पावन तीर्थ है और भगवान राम जब निकले तो यहाँ पहले आए और यहीं से अपनी वो यात्रा की शुरुआत की है। तो जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है वो त्रिवेणी धाम है, वो प्रयाग राजा है। श्री जब दो नदियों का मिलन होता है, कुंभ तो कई जगह आयोजित किए जाते हैं, उन में से प्रमुख यहाँ और मान्यताओं के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो बहुलताएं हैं उसके विषय में, और जो इस बार शाही स्नान पहला संपन्न हो चुका है, दूसरे के लिए किस तरीके का निवेदन आप करेंगे उन लोगों के साथ में? ये यहाँ इसलिए ज्यादा महत्व तो बढ़ जाता है कि हर जगह तो एक नदियां हैं, उज्जैन में छिपरा है, नासिक में गोदावरी है, हरिद्वार में माँ गंगा है, पर यहाँ तीन नदियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती, इसलिए यहाँ की महिमा विशेष है। वो भी मांग मकर गति रवि जब होई तीरथ आहि पति जो हुई, यहाँ जब मकर राशि सूर में आ जाता है, ये मांग का महीना कल्पवासियों का, इसलिए इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। अश्वमेधो यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, जो जप का फल होता है, यहाँ स्नान करने से, यहाँ रहने से वो फल प्राप्त होता है। खुशी जब हम आपके संस्था के बारे में और आपके बारे में जानने की कोशिश किए तो पता चला कि आप जो हमारे धर्म की अगर बहुलता को देखा जाए और प्रमुख चीजों को देखा जाए तो गौ माता को देवत्व स्वरूप माना जाता है, माता के स्वरूप माना जाता है, उनकी सेवा आप निरंतर कर रहे हो, महाराष्ट्र की पावन धरती से कर रहे हैं, तो पुरुषी वहाँ के बारे में कुछ हमें जानकारी दे हमारे दर्शकों को। वहाँ पर गौओं की सेवा होती है, सब गिर की गाय है, वहाँ जो भी दूध घी होता है सब गरीबों को बांट दिया जाता है। और हमारे यहाँ कहा गया है ना कि सबसे बड़ी महत्व जो है 33 करोड़ देवी देवता गाय में वास करते हैं, जो गाय की सेवा की, आज भगवान कृष्ण ने देखिए गाय की सेवा की है तो भगवान कृष्ण को आज कितनी बड़ी महिमा है। ऐसे जो गाय की सेवा करता है ना हमारी कोई संस्था है, ना हमारा कोई ट्रस्ट है, ना हमें एक ही है, क्या गौ माता की कृपा है, क्या भगवती की मैं उपासक हूं कि कैसे कार हो रहा है, मैं तो सपना देख रहा हूं। मैं ना कुछ लेके आया, गया दुकानों में, बोला भाई मेरे को सबसे बढ़िया चावल, सबसे बढ़िया आटा चाहिए, लोग बोले आप अपना राशन कार्ड बनाओ, बोला नहीं मुझे खिलाना तो सुंदर खिलाना है, दुकान वाला इतना माल आ गया अभी तक मेरे से हिसाब नहीं लिया, ये कोई गौ माता की कृपा नहीं, मेरी क्या है। और मेरी एक ही चेष्टा है, एक ही श्रद्धा, आज भी मैं गौशाला में रहना, गायों के पास सोना, यहाँ रहना, आप देखो कितना सादा है, यहाँ जहाँ भगवती बैठ जाती है वहाँ क्या चीज़ की कमी है। और हमारा तो यही उद्देश्य है कि भूखे को भोजन मिल जाए, सेवा हो जाए, आए किसके लिए है, एसी में रहना होता, अच्छे से रहना होता तो अपना आश्रम क्या बिगाड़े है, यहाँ तो त्याग करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, और ये मौका बार बार मिलता नहीं है, ये तो कृपा से मिलता है। साधु बनना बोले तो कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता तब आदमी साधु बनता, साधु बन के सेवा हो जाए जीवन सफल है। श्री यहाँ की एक बात और कही जाती है कि हर साल यहाँ पे माघ मेले का आयोजन किया जाता है और इस बार के आयोजन को अगर हम बात करें धर्म के आधार पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हो? यहाँ योगी जी ने, शासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, बहुत सुंदर साधु संतों को सारी व्यवस्था अच्छी है, खाली एक शाही स्नान में जो ये थोड़ा व्यवस्था है कि वहाँ भी अच्छे से लोगों को खड़े रहना चाहिए, प्रशासन के लोगों को, और एक एक महामंडलेश्वर को वहाँ ले जाना चाहिए, वहाँ जो लोगों को छोड़ देते हो, जो भगदड़ मचती है ना, उससे सीधा साधा आदमी या लोग साथ में रहते हैं उससे कुछ हानि हो सकती है। उस बार तो गंगा मैया ने बचा लिया, पर इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जितने महामंडलेश्वर उनके पास सब भगत जगत रहते हैं और ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाता है वो अपने से, और उस समय जो पब्लिक में एक वो रहता है वो किसी को समझते नहीं है, तो वो व्यवस्था को बहुत ध्यान देने लायक है। वो जैन में नासिक में ये था कि एक एक महामंडलेश्वर को छोड़ना, उनके साथ में जो उनके साथ में लोग हैं, अभी कोई भी जा रहा है, कोई भी रिक्शा से आ रहा है, कोई बिना पास की गाड़ियां चल रही हैं, तो फिर ये महामंडलेश्वर का मतलब क्या रह गया? जो महामंडलेश्वर का संतों का स्नान है तो उसमें संत को होना चाहिए, उनके भगत होना चाहिए, कोई भी पब्लिक घुस रही है भगदड़ मत रही है,
तो प्रशासन को और लोगों को ध्यान देना चाहिए, एक एक को ले जाके जाना, डुबकी लगाना, उनके भगत साथ में ऊंचे उतरे, फिर दूसरे को ऐसा कार्य होना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और आवाहित करेंगे कि ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से बाकी और हमारे सहयोगियों के माध्यम से पता चला कि इस बार बड़ी बहुसंख्यक संख्या में लोग आ रहे हैं, देश विदेशों से लोगों का आना हो रहा है। दूसरे शाही स्नान में जिस तरीके का व्यवस्था चाह रहे हो, उसके तहत आप ये क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनसे किस तरीके का आह्वान करना चाहेंगे इस बार आने के लिए? मैं तो यही आह्वान करूंगा कि मौनी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, ये माघ महीने की अमावस्या है, और ये गंगा मैया में तो इसका अलग ही महिमा बढ़ जाती, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, डुबकी लगाएं और अपने अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का द्वारा आनंद करें, अपने पितरों को शांति दें, प्रसन्नता दें, बस यही आह्वान करूंगा। बहुत बहुत आभार आपका पूज्य श्री। और यहाँ पे अन्य क्षेत्र के आपके ही माध्यम से चल रहा है उसके बारे में आपने बताया, और भी कुछ ऐसा कुछ जो हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं जो चैनल के माध्यम से यहाँ के पुण्य को प्राप्त कर सके, कुछ ऐसा गूढ़ मंत्र बता सकते हैं गुरुजी? बस यही है कि ये गूढ़ मंत्र, 6 साल बाद कुंभ आया है और इतना आनंद आया है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आए, पुण्य को प्राप्त करें, यहाँ प्रसाद लें, एक एक से संत आए उनका दर्शन करें, भ्रमण करें। इस भूमि में रुकने का ही बहुत बड़ा महत्व है, एक रात्रि भी रुक गए उसका भी बड़ा भारी पुण्य है। अच्छा, यहाँ पे हवन यज्ञ रहना सब कुछ का अलग अलग महत्व है, आप एक चीज और अनुभव अगर करा देते पूज्य श्री की, यहाँ की जो महत्ता है, यहाँ के जो रहवासी हैं, जो कल्पवासी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे कि वो रह के पुण्य के भागी बन सकते हैं, कुंभ की धरती महान के तहत माना जाता है? ये कुंभ की धरती है, अनंत भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगम लभते पुरुषो यदा वही, जन जन्मांतर कल कल्पांतर का जब पुण्य इकट्ठा होता है तभी यहाँ आदमी आके वास करता है, गंगा में स्नान करता है, सभी जीवन के पाप क्षय हो जाते हैं, पुण्य अर्जित हो जाता है, ऐसे तो बड़े भाग से प्राप्त होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए। कल्पवासी यहाँ आनंद ले रहे हैं, सभी साधु संत आनंद ले रहे हैं, तो उनके साथ में ही अपने आनंद ले, और आने वाले संस्कृति और संस्कार का यहाँ पर उनको एक जोड़ने का ये सौभाग्य है। आज के जो बच्चे हैं पश्चात सभ्यता में जा रहे हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा रहना कैसा होना चाहिए, पहनावा, यहाँ से एक उन लोगों को अपने आप सीख मिलेगी। इसलिए बच्चों को भी लाना चाहिए कि हमारा कुंभ क्या, नहीं बच्चे जानेंगे नहीं, तो जरूर से जरूर लोगों को लाना चाहिए, कुंभ दिखाना चाहिए, संतों का दर्शन कराना चाहिए, उससे एक प्रेरणा मिलती है, उनके पास जाने से उनको एक जीवन में एक अच्छा से अच्छा अनुभूति प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, सही कहा महाराज श्री ने। दर्शकों, जिस तरीके से हमारा सनातन धर्म की बहुलता है, कितना बड़ा विस्तार है, उसकी प्रमुख क्या विशेषताएं होती हैं, इन सब विषयों को लेकर के महाराज श्री ने बहुत सही आपको आपके मन के उत्तर आपके सामने रखे। फिर हम और महाराज श्री से मिलेंगे और जानकारियां प्रयागराज की धरती से आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय पारस के लिए अनिल मिश्रा के साथ मैं आशीष तिवारी, प्रयागराज।